नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। अभी आप सबने जो वीडियो देखा वो नामसाई डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर नामसाई का है। और मैं बता दूं, ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट का क्रिएशन 2014 को हुआ, तब से लेकर अभी तक की बात करें तो 7 से 8 साल में काफ़ी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इनिशिएटिव किया गया है यहाँ के लोकल एमएलए और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और मैं बता दूँ, जिसके चलते आउट ऑफ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से नामसाई को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से सम्मानित किया गया है। और मैं बता दूँ, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसीलिए इनिशिएटिव किया गया है ताकि बाय 2022 एक भारत का नया निर्माण हो अंडर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये जो बातें हमने अभी की, कहीं ना कहीं कह सकते हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट आज के समय में जो भी मुकाम में है, यहाँ के लोकल एमएलए जिग्नू नामचुम और साथ ही साथ यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा ही है। इसी के चलते आज हम आए हुए हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट के डीसी ऑफिस में ताकि हम यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से मिल पाए और जान पाए कि अभी तक क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है, क्या क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ किया गया है और आने वाले समय में क्या क्या प्लानिंग रहेगा यहाँ से। तो चलिए जाके मिलते हैं। नामसाई जब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर हुआ था नीति आयोग से, उस समय उसमें काफ़ी पैरामीटर्स हैं और 6 मेन थीम हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, एग्रीकल्चर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो इन सब पैरामीटर्स, स्किल डेवलपमेंट है, इन सब पैरामीटर्स पे कैलकुलेट करके ये पाया गया था कि नामसाई का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर था और हम लोगों का रैंक उस समय 102nd था। अभी रिसेंट डेटा के मुताबिक नामसाई डिस्ट्रिक्ट स्टैंड्स एट 14th, तो हम 102 से 14 तक तो पहुँचे हैं और हमारी कोशिश ये है कि इस साल में हम टॉप 5 में अपनी जगह बनाएं। देखिए, हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ परिवर्तित हुआ है। पहले इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं था, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं था, कोई भी स्पेशलिटीज़ नहीं था, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं थे, ऑपरेशन थिएटर नहीं था। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के बाद हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, फुल ANC, ये सब पैरामीटर्स हैं जिस पे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट की प्रोग्रेस डिपेंड करती है। और इन सब पैरामीटर्स पे हमने काफ़ी उन्नति की है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा अचीव कर लें। इसके लिए हमें कई लोगों से सहयोग भी मिला, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भी काफ़ी हमें सहयोग दिया। अभी हमारे पास पहली सवारी के तौर पर गाड़ियाँ हैं जिन गाड़ियों से हम प्रेग्नेंट मदर्स को गाँव से हॉस्पिटल तक लाते हैं। रिसेंटली नीति आयोग ने एक प्रतीक्षा नाम की स्कीम सैंक्शन की है। उस प्रतीक्षा नामक स्कीम में हम यहाँ पे एक रेस्ट हाउस टाइप का बना देंगे जिसमें जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं वो डिलीवरी से 2 दिन 3 दिन पहले आकर के वहाँ हॉस्पिटल में रह सकें। पहले ये होता था कि गांव से कब आना है ये पता नहीं होता था और लोग गाँव में ही डिलीवरी कराना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब जब हॉस्पिटल में सब सुविधा है तो उस गाड़ी के जरिए हम प्रेग्नेंट वुमेंस को हॉस्पिटल तक लाते हैं और उनका डिलीवरी होता है और आफ्टर पोस्ट डिलीवरी भी वो उस प्रतीक्षा में कुछ दिन रह पाएंगे और फिर अपने घर को वापस जा पाएंगे। एजुकेशन सेक्टर में टिफ़िन ऑन व्हील्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने क्लस्टर किचन स्टार्ट किया। दूसरा, हमारा विद्यालय नाम का एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था। हमारा विद्यालय प्रोग्राम को UNDP ने रिकॉग्नाइज़ किया है। रिसेंट UNDP के सर्वे में हमारी एजुकेशन सेक्टर में इट वाज 9th रैंकिंग मिली थी। तो ये दो अच्छे प्रोग्राम थे। एक नया प्रोग्राम इस बार नीति आयोग ने हमारा और इनोवेटिव स्कीम के तौर पे लिया है, वो है आरोहण। आरोहण में हम आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनको एक प्लेटफॉर्म पर ला के काम कराना चाहते हैं। इनकी ज्वाइंट ट्रेनिंग करवा के इनको जो सुविधाएं चाहिए वो देंगे और वो गांव में, क्योंकि उनका बेनिफिशियरी ग्रुप सेम है और बेनिफिशियरी ग्रुप सेम होने की वजह से वो लोग सेम आदमी को ही मिलते हैं, सेम प्रेग्नेंट वुमेन, सेम चिल्ड्रन। उनका न्यूट्रिशन CDPO देखती है तो हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है। तो इनको अगर हम एक साथ कर देते हैं तो हमारे दो पैरामीटर्स एक साथ कवर होते हैं। ये स्कीम भी नीति आयोग ने अभी सैंक्शन की है और हम इस पे काम कर रहे हैं कि यहाँ के लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, मगर
खासकर मेरे यहाँ इस जिले में लेबर का तबका ज़्यादा है, और जो लेबर क्लास के लोग हैं उनमें इग्नोरेंस भी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि वो अपना काम छोड़ के हॉस्पिटल जाना है, वैक्सीनेशन लगवाना है, बैंक में जाना है, अकाउंट खोलना है, इसके लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं होते। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने अभी तक जो किया है उसमें सॉफ्ट इंटरवेंशंस ज़्यादा हैं, इसमें आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, लोगों की मानसिकता बदलने वाला जो प्रोग्राम्स है उस टाइप का प्रोग्राम ज़्यादा करना पड़ता है। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही होता है, गाड़ी नहीं होगी तो प्रेग्नेंट मदर को हम ला नहीं सकते, हॉस्पिटल बिल्डिंग नहीं होगी तो हम उसका इलाज ढंग से नहीं कर सकते, डॉक्टर्स नहीं होंगे तो नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ी बात है आदमी के मन में ये दिखाना, उनको ये समझाना कि आपको आके ये सुविधाएं लेनी है और इन सुविधाओं को लेने से उनका भलाई होगी, ये सबसे ज़रूरी है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और लोगों से भी मेरी यही अपील है कि वे जितने भी प्रोग्राम्स हैं इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लें, और हिस्सा लेकर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को हम अपने डिस्ट्रिक्ट को सबसे आगे ले जा सकें, इस दिशा में हमारा सहयोग करें।